शनिवार और रविवार को जनपद के अलग अलग स्थानों पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनको उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। शनिवार के दिन जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के राजा बाग में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी, वहीं दूसरी ओर थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम मिडावली कला का स्थायी निवासी एक युवक मुंबई के एक होटल में नौकरी करके 9 दिन पहले ही गांव लौटा था, जिसके बाद सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा था, जो कि शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी होते ही प्रशासन हलचल में आया और युवक के घर पहुंचकर उसको भोगांव पॉजिटिव वार्ड में भर्ती कराया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उसके 11 परिजनों के भी सैंपल लिए गए, भोगांव क्वारंटीन वार्ड में भेजा गया। वहीं प्रशासन द्वारा पूरे गांव को बैरिकेडर लगवाकर सील कर दिया गया, साथ ही पूरे गांव को सैनिटरी कराया गया। अभिषेक चौहान सर, किस पोस्ट पर हैं आप? मैं प्रधान डावली हूं। चौहान जी, एक बात बताइए, अभी आपके गांव में पुलिस फोर्स है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, क्यों आए हैं यहां पर? एक्चुअली में क्या है, एक लड़का अनेश है जी, पुत्र अनेश पुत्र अमरपाल सिंह जी, ये मुंबई से लगभग 21 तारीख के आसपास आया है। इसकी सूचना जो चंदगारी को दी गई और तत्काल उन अधिकारियों ने इसका सैंपल लिया गाँव में आके। सैंपल लेने के बाद इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसलिए पूरे गांव को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। चौहान जी, कितने समय पहले आया था ये लड़का? ये लगभग 8 दिन हो गए इसको। 8 दिन हो गए। ये क्या मुंबई में जॉब करता था सर? हाँ, मुंबई प्राइवेट जॉब। अच्छा, इसके संपर्क में और भी लोग हैं जिनको सैंपल के लिए भेजा गया, ऐसा कुछ? हाँ, है इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बड़ा परिवार है और आप जानते हैं सभी परिवार में एक दूसरे टेस्ट करते हैं जी, संभावना पूरी है। लगभग कितने लोगों को सैंपल के लिए भेजा गया सर? उसके निजी परिवार को 6 से 7 लोग। 6 से 7 लोगों को भेजा गया है। पूरे गांव को सर सील कर दिया गया होगा इस समय? पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है। संपूर्ण लॉकडाउन है। वहीं दूसरी ओर रविवार के दिन थाना क्षेत्र अलाऊ के ग्राम गदाईपुर में रामू वाल्मीकि पुत्र श्री कृष्ण, जो कि कोलकाता से अपने ग्राम अलाऊ 27 मई को आया था, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई। 31 मई को सुबह उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पूरा गाँव 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया और पूरे गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। नाम राज। राज जी, ये बताइए, आपके जो ग्राम गदाईपुर में ये आज क्या पूरा मामला हुआ है? ये मामला क्या है, ये लड़का कलकत्ता रहता था जी, ये ग्राम अलाऊ में आया हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसको कोरोना का शिकायत थी, मतलब। अच्छा अच्छा। तो इसको कल चेकअप हुआ था इसका जी, तो आज डॉक्टर साहब की टीम आई थी जी, वो इसको लेके गई है जी। ग्राम अलाऊ का रहने वाला था ये। अच्छा, कलकत्ता जॉब करता था ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आज डॉक्टर वगैरह सारे लोग ले गए उन्हें अस्पताल? हाँ जी, डॉक्टर ले गए हैं उसको, यहाँ से जो लोग थे हमारे सारे लोग, उन्होंने भेजा हुआ है उसको जी। नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम अच्छा रामू नाम है उसका। हाँ जी जी। और आपके गाँव में क्या हुआ अभी पूरी कार्रवाई? हाँ जी, हमारा पूरा गेहूँ वो गाँव अलाऊ सील कर दिया गया है जी। सर, आपका नाम? तो ये अलाऊ में क्या मामला हुआ है पूरा? गदाईपुर में ये कोरोना पॉजिटिव निकले, ये बाहर से आए थे। अच्छा अच्छा। कुछ लोग जिसकी जांच के लिए भेजा गया जी, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी, उस चक्कर में इनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। संक्रमित का नाम क्या है? रामू। रामू गदा श्री कृष्ण से गदाईपुर। अच्छा, गदाईपुर के रहने वाले हैं जी। रविवार के दिन ही क्षेत्राधिकारी नगर के दफ्तर के पीछे रहने वाले रामबाबू पुत्र श्याम चरण सक्सेना की मौत हो जाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा यहां सतर्कता बरतते हुए देखा गया। वहीं खबर लिखे जाने तक यह पता नहीं लग पाया था कि रामबाबू की मौत का कारण क्या है, लेकिन मौत की खबर के बाद अलर्ट हुए प्रशासन को देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे हैं कहीं मृतक की मौत कोरोना के चलते तो नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस की ओर से मृतक के आसपास के एरिया को सील किया गया है।